we are going to learn about an incident which has happened with four friends, and it is available on your textbook page number 70. Students, you have to follow this incidents writing very carefully, because it's a kind of a practice which you have to follow in your exam too. So today I'm going to explain about an incident, and that you have to write in your notebook afterward. So here is an incident. You have to write in your own words. Give the children names, and you may begin like this: Tom, Seema, Reena and Ravi. Here I give in the name of the character, which is actually not available in your textbook. वो मैंने खुद से नाम दिया है, तो आप भी कोई नाम, कोई भी नाम अपने फ्रेंड्स का दे सकते हैं. One Saturday morning, एक सैटरडे मॉर्निंग की बात है. Tom was sad. The first boy name is Tom. He was sad, बहुत दुखी था. He could not run or play because he had hurt in his knee. उसके पैर में, उसके नी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो ना भाग सकता था ना खेल सकता था. A little later, थोड़ी देर के बाद, he saw his friends Seema, Reena and Ravi. थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा, टॉम ने उसके फ्रेंड्स सीमा, रीना एंड रवि वहाँ पर आए. They were riding bicycles. वो सभी bicycles चला रहे थे. After some times, they saw Tom. उन्होंने थोड़ी देर के बाद टॉम को देखा. He was sitting and crying. टॉम वहाँ पर बैठकर रो रहा था because of his pain. Pain यानी होता है बेटा what? Pain का मतलब होता है ये PAIN. इसका मतलब होता है दर्द होना. और hurt मतलब भी यही होता है HURT, hurt. It means चोट लगना. So pain की वजह से वो बहुत रो रहा था, दुखी था. Suddenly they come closer to टॉम. क्लोजर यानी उसके पास आ गए. उसके फ्रेंड जो थे टॉम के पास आए और उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. टॉम एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिज फ्रेंड्स. टॉम ने सारी बातें अपने दोस्तों को एक्सप्लेन की. आफ्टर दैट सीमा एडवाइज टू टॉम. सीमा ने उसको एडवाइस दिया. क्या एडवाइस दिया, एडवाइस यानी अपनी सलाह देना. सीमा ने उसको एडवाइस दिया टू टॉम दैट यू हैव टू कैरी ऑलवेज फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू लाइक अस. इट मीन्स आपको फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अपने साथ रखना है, जैसे हम लोग हमेशा रखते हैं. ताकि फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब होता है बेटा, जब आपको कभी कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. लाइक छोटे छोटे उसमें सामान होते हैं जिसकी वजह से आप इमीडिएटली प्रिकॉशन ले सकते हैं. तो सीमा ने टॉम को समझाया कि आप अपने साथ हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रखो. इफ़ एनीथिंग सडनली हैपन, सडनली यानी अचानक, अगर कुछ अचानक हो जाता है तो यू कैन यूज़ दिस बॉक्स. ओके टॉम, सीमा ने टॉम को समझाया कि तुम अचानक अगर कुछ हो जाता है तो ये बॉक्स से अपना सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हो. टॉम सेड हियर, टॉम सेड येस, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड. एट लास्ट दे ऑल वो स्टार्टेड प्लेइंग लूडो. सब लोग एक साथ लूडो खेलना वहाँ पर शुरू कर देते हैं. बिकॉज टॉम वॉज नॉट एबल टू साइकिलिंग, क्योंकि टॉम तो अब साइकिलिंग नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने बैठे बैठे लूडो खेलना शुरू कर दिया. एट लास्ट सीमा, रीना, रवि एंड टॉम वॉज हैप्पी. सब एक दूसरे के साथ खेलते खेलते बहुत खुश थे. सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड्स इन एनी सिचुएशन. सो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जहाँ तक हो सके हमें अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, किसी की भी आपको हेल्प करनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. आपको फिर से बता दूँ, इंसिडेंट मतलब होती है कोई घटना जो आपके साथ घटी हो. ओके, तो अगर आपको नहीं, आई थिंक सो